थाना गोवर्धन क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम देकर इलाका पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। इस बार चोरों ने गांव पलसों में अंग्रेजी शराब के ठेके को अपना निशाना बनाया और लाखों की नकदी के साथ साथ अंग्रेजी शराब की बोतलों पर हाथ साफ कर दिया। शराब ठेके के सेल्समैन सुरेश ने बताया कि वो अपने ठेके को रात को 9 बजे बंद कर अपने गांव पाली चला गया था। सुबह आकर देखा तो ठेके के अंदर बनी खिड़की टूटी हुई थी। उसको घटना की बड़ी आशंका हुई। इसके बाद उन्होंने काउंटर चेक किया तो उसमें रखे हुए 153,000 रुपए की नकदी गायब थी, जिसको देखकर सेल्समैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसकी सूचना तुरंत सेल्समैन ने 112 डायल पर और स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर एक व्यक्ति को काउंटर से पैसा निकालते हुए देखा। जब मीडिया की टीम ने पुलिस से बात की तो उन्होंने बताया कि चोरी का खुलासा बहुत ही जल्द कर देंगे। आपका क्या नाम है और यहाँ पे क्या घटना हुई है? मेरा नाम सुरेश सिंह है, यहाँ सेल्समैन हूँ जी। यहाँ मतलब मैं रात बढ़ाकर गया हूँ दुकान, 9:15 बजे सुबह आकर देखा है तो जंगला टूटा मिला है जी। और मतलब मैंने अपना गल्ला देखा है तो उसमें कुछ नहीं मिला, 153,000 रुपया कैश थे और दारू जी। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? 100 नंबर वो दही और थाने में दही जी। मौके पहुँच गई पुलिस? पहुँच गई सर।